नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए क्या लेकर आया है गुरु का राशि परिवर्तन। देखिए, बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है अगर हम चार्ट की बात करें तो वो गुरु ही हैं। उसका कारण यह है कि गुरु आपकी धन, पैसा, समृद्धि, आपकी फैमिली, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, गुरु, टीचर, पिता, भाग्य, उपलब्धि, गोल्स, फ्रेंड सर्कल, फेम, नेम, सबके कारक हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रह कोई है ही नहीं जितने के गुरु हैं। इसीलिए गुरु का जो गोचर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के साथ साथ शनि और राहु का गोचर भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो भी धीरे चलते हैं। शनि का बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर गुरु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है किसी भी चार्ट में। आपके चार्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, अच्छा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि गुरु धन भाव में ही आया है। जैसे मैंने कहा ना, धन के, पैसे के, समृद्धि के कारक हैं, तो वो धन के भाव में ही आ रहे हैं आपके लिए। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसकी दृष्टियों का क्या रिजल्ट आएगा, वो जिस नक्षत्र में वो क्या रिजल्ट आएगा, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अभी तक जो गुरु थे वो लग्न में थे शनि के साथ, अब वो द्वितीय भाव में आ गए आपके मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में। यहां आने के बाद उनकी जो दृष्टियां हैं वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है और आपके दसम भाव पर पड़ रही है। यहां गौर की बात है कि दसम भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टियां हैं। अब इसका क्या रिजल्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले खुद भाव पर जो दृष्टि है उसकी, धन के भाव में गुरु आए हैं और तो क्या लेकर आएंगे। देखिए, धन लाएंगे, पैसा लाएंगे, पैसा बढ़ेगा, धन आएगा, इनकम के कुछ सोर्स बढ़ सकते हैं, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल से धन आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन आ सकता है। अगर आपका काम किसी तरह से मीडिया से, ट्रेवल से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, मल्टीनेशनल कंपनी से, टूर टूरिज्म से और जुड़ा हुआ है, आप कंसल्टेंट हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी तरह की सलाह देते हैं, आप बैंक में हैं, फाइनेंस में हैं, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए हो सकता है धन के लिए, पैसे के लिए। घर में कोई आ सकता है, वृद्धि करेंगे घर में। कोई कैसे आएगा, या तो आपकी शादी हो जाए तो आपके जीवन में पति या पत्नी आ सकता है, या फिर आपकी किससे दोस्ती हो जाए, प्रेमी प्रेमिका, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो संतान, बच्चे आ सकते हैं, बच्चों के बच्चे आ सकते हैं, बेटे या बहू आपके घर में आ सकती है, किसी का विवाह शादी हो सकती है, मतलब घर में कोई ऑस्पिशियस समारोह हो सकता है। यहाँ बैठकर गुरु की दृष्टि जो है अष्टम पर पड़ रही है, तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, लॉटरी, सट्टा, इन्वेस्टमेंट आदि से योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति से धन मिलने के योग बनते हैं यहाँ पर खर्चा भी बढ़ सकता है। और धन के मामले में जब कोई डिसीजन लें तो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि खर्चा हो सकता है। ट्वेल्थ भाव का स्वामी आ रहा है, पर ओवरऑल गोचर को और जन्म कुंडली को देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जन्म कुंडली में तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ट्वेल्थ का स्वामी और मतलब बारहवें भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, पर गोचर में जब भी गुरु सेकंड भाव से दूसरे भाव से जाते हैं वो ऑस्पिशियस ही जाते हैं, अच्छा ही रिजल्ट लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ गुरु की जो दृष्टि छठे भाव पर है तो आपके कार्य में भी थोड़ी सुधार आएगा, डेली जो लाइफ है वहाँ पर थोड़ा चीज़ें अच्छी होंगी। हालांकि खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, पर आप हेल्प करेंगे किसी की, आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और दसम भाव की सबसे महत्वपूर्ण बात है वास्तव में यहाँ पर। दसम भाव किसका है, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में आपकी स्थिति, एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण भाव है। और वहाँ पर गुरु की दृष्टि शनि के साथ है, कोई भी भाव जहाँ पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि हो वहाँ कोई बड़ा परिवर्तन आने का चांस बहुत रहता है। तो क्या परिवर्तन आ सकता है, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि बढ़ सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, पर किसी अच्छी जगह पर आपके पद प्रतिष्ठा में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ज़्यादातर पॉजिटिव ही आने का चांस है। अगर आपकी कुंडली में जैसे कि साढ़े सात ही चल रही है और साढ़ी शनि की ही दशा महादशा है राहु केतु की, और वो अगर आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तब तो कोई दिक्कत भी हो सकती है, पर अदरवाइज ये पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है आपके लिए। देखिए, छठे भाव पर जो दृष्टि पड़ी तो छठा भाव किस चीज़ का था, आपकी डेली लाइफ का है,
और हार्ड वर्क का है, रोग ऋण शत्रु रिपु, मेहनत डेली लाइफ सर्विस सेवा, पालतू जानवर जो हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं वो, तो उसका भी अगर आपका उससे संबंधित कार्य है, बाय चांस आप लॉयर हैं, रोग ऋण मतलब हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, बैंक्स में आप काम करते हैं, आप लॉयर हैं, आप पालतू जानवरों से रिलेटेड कोई काम है, आप किस तरह की सोशल सर्विस करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो आपके कार्य में वृद्धि होगी, पैसे में वृद्धि होगी, पर हार्डवर्क बढ़ेगा सभी का। पैसा तो आएगा जो कि यहां से दिखता है, पर हार्डवर्क भी बढ़ेगा, मेहनत होगी तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वैसे भी कभी ऐसे आता ही नहीं है, बाय चांस कुछ एक आध बार हो जाए तो है जाए, पर मेहनत तो करते ही रहना होता है, वो भी स्मार्ट वर्क। ये नहीं कह रहा मैं कि वो सिर्फ फिजिकल वर्क है, वो स्मार्ट वर्क है, जिस चीज की आपकी जरूरत है वहां अगर वाणी का टैलेंट है तो वहां उसको सीखना, कोई नई स्किल सीखना, उस चीज के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट वगैरह सब चीज, उस तरह के हार्ड वर्क की मैं मेहनत की बात कर रहा हूं। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो अचानक से लाभ हो। अष्टम भाव क्या चीज है? मौत, आयु, आयु ज्यादा है, डर, देरी, दुर्भाग्य, पर इसी के साथ साथ समाधि, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस, जमीन से नीचे वाली चीजें, पेट्रोल डीजल गैस, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, तो इन सब से लाभ हो सकता है अगर आप ज्योतिषी हैं, हो सकता है आप पेट्रोल की आपकी काम करते हो या पेट्रोल पंप पे काम करते हो, आपका पेट्रोल पंप हो, किसी तरह से डीजल पेट्रोल आदि से कोई रिलेशन हो, हॉस्पिटल्स भी है ये एक तरह का, जेल्स भी है थोड़ा सा, ट्वेल्थ भाव ज़्यादा है पर ये भी है, गहरी चीज़ें जो होती हैं, कहीं गहरे में आप काम करते हो, किसी टनल में आपका कहीं ऑफिस नीचे हो, अंडरकवर जो चीज़ें होती हैं, डिटेक्टिव जो होते हैं वो, तो अगर आपका वैसा काम है सीक्रेट निकालने का, आप किसी रिसर्च में हैं, आपको रिसर्च में से कुछ निकालना है, कोई नई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, तो उस काम के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पॉजिटिव अच्छा इसका असर आएगा आपका। नेगेटिव क्या हो सकता है? एक तो ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी डिफेम दे देता है ये, जो जब दृष्टि पड़ती है तब डिफेम, क्योंकि वो एक्टिवेट कर रहा है ना उस भाव को, वो तब होगा अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे भी सूर्य फेम को दिखाते हैं और स्थिति अच्छी नहीं है तो गुरु उस ग्रह उस भाव को एक्टिवेट करेंगे तो बदनामी आदि का चांस रह सकता है, अन्यथा नहीं होगा। बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो सूर्य को जल देते रहें, उसमें थोड़ा कुमकुम भी मिला सकते हैं, और गुरुवार वाले दिन केसर का तिलक लगाएं, नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी का यूज करें, नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी का यूज करें, और देखिए अपने गुरुओं के प्रति इज्जत रखें, आदर रखें, अपने माता पिता के प्रति आदर रखें, और आसपास अगर कोई संत हैं, महात्मा हैं, पंडित जी हैं, ऐसे जो कि ऑनेस्टली अपने काम को कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, पैसे से, कपड़े से, या सिंपली उनके पास जाके बात करके उनसे थोड़ा आशीर्वाद बात ऐसे ही करें, उससे भी गुरु प्रसन्न रहते हैं। मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी होली प्लेस में, चाहे वो मस्जिद हो, बाइबल हो, जो ईश्वर का मतलब सिंबल है, वहाँ पर लोग पवित्र मन से आते हैं तो वहाँ एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव होती है, बाकी ईश्वर का घर तो हर जगह है, तो वहाँ जा सकते हैं और थैंकफुल हों ईश्वर के प्रति, जो आप जो उसने दिया है, मांगने से पहले ये सोचें हर दिन क्या है मेरे पास, उसके लिए थैंकफुल होना भी ज़रूरी है, कि मतलब ईश्वर ने आँखें दी हैं, जिसके पास आँखें नहीं है उससे पूछिए, वो तो यही कहेगा भैया पहले हमें आँख दे दो, बाकी तो देखा जाएगा, आपके पास एक धड़कता हुआ दिल है, अच्छा जो काम कर रहा है बढ़िया, तो उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है, कितना दे रखा है हाथ पैर हैं अच्छे खासे, जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कि ये क्या है, वो करोड़ों में भी नहीं खरीद सकता इसको, तो उसकी कीमत को भी थैंकफुल हो जो है उसके लिए, क्योंकि नॉर्मली जिंदगी ऐसी है कि मिलता तो बहुत है जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता, वही काम में भी रहता है अक्सर, बहुत से लोग बहुत ऊपर आ जाते हैं पर उनको यही लगता है कि मेरे अनुसार नहीं हो पाया है जितना मैं कैपेबल हूं, हालांकि सत्य यह है कि कई बार बहुत कैपेबल लोग कुछ नहीं कर पाते, तो आप थोड़े सा अगर आप उतना नहीं हुआ पर कुछ हो गया तो थैंक पार्टी माने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है, बाकी का भी होगा, जिसने इतना किया आगे भी करेगा, वो मैं नहीं कह रहा कि आपको वो करना नहीं है, रुक जाना है, पर खुश होना है और थैंकफुल रहना है, उसके साथ आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। देखिए इसके बाद थोड़ा नक्षत्र पे आ जाते हैं, मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव और ग्यारहवें भाव के हैं स्वामी है। देखिए मंगल मेष राशि है, मंगल की दो राशियां होती हैं मेष और आपका वृश्चिक, तो ये दो भाव है, ये भी एक्टिवेट होंगे क्योंकि
गुरु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है जो अष्ट वसुओं से जुड़ा है, और अष्ट वसु जो है वो पृथ्वी लोक पर क्या काम है उनका, धन देना, पैसा देना, भूमि देना, इन सब से जुड़ा हुआ है। धनिष्ठा म्यूजिक आदि से भी जुड़ा हुआ है, लैंड आदि से जुड़ा हुआ है, रियल इस्टेट जमीन का जो काम है, इंजीनियरिंग का जो काम है, सर्जन जो लोग होते हैं, आर्मी में है जो लोग, तो उन सब के लिए अच्छा समय है। अगर आप उस फील्ड में हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जमीन से जुड़ा कोई काम है, जमीन खरीदने आदि का योग बनता है, लाभ हो सकता है सीनियर से, बड़े भाई से, उन सब से। मंगल के नक्षत्र में तो थोड़ा वाणी को थोड़ा सॉफ्ट रखें। देखिए जो वाणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहावत सुनी होगी कि जो कड़वा बोलता है ना उसका तो शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिक जाती है। अब मैं मिर्ची बिकने को तो नहीं कह रहा, पर मैं समझाना चाहता हूँ कि कड़वा बोलना या सत्य को भी अगर आप इस तरह से बोलें तो उसका भी एम खत्म हो जाता है। सत्य का एम तो यही है कि पीस आए, शांति आए, जीवन सुधरे, लोगों का भी, आपका भी। अगर वो अपने एम को ही खो रहा है, लक्ष्य को ही खो रहा है, तो सत्य का भी क्या महत्व। तो बोलना की जो कला है वो सीखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जीवन में जो आपके सपने हैं उनको साकार करने में आपकी मदद करेगी, और सही रास्ते पर ही बढ़िए। गलत रास्ते से किया गया कोई भी टैलेंट गलत मंजिल तक ही ले जाता है। थोड़ी बहुत देर के लिए वो आपको कहीं ना कहीं पर घुमा फिरा के, आप उससे इंटेलिजेंट नहीं है जो परमात्मा है। तो सही रास्ते के थ्रू ही जितना हो सके कोशिश कीजिए। दूसरा देखिए, मंगल थोड़ा गुस्सा बढ़ा देते हैं व्यक्ति के अंदर, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा देते हैं, कंपटीशन बढ़ा देते हैं। तो कंपटीशन होना तो अच्छी बात है, पर कंपटीशन में जब तक वो आपको फायदा पहुंचाए तब तक तो ठीक है, पर ऐसा ना हो कंपटीशन के चलते आप कुछ गलत स्टेप लेने लग जाएं। जैसे कि कुछ लोग अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे अपने फोटो के लगाने के लिए या कुछ करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, इतना तो कर लेते हैं कि भाई दिखाना है, पड़ोसी को भी है तो हमको भी होना चाहिए। तो समझ जाइए कि वो चीज़ें आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसको फिर निकालो दिमाग से। अगर वो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है तब तो ठीक है, अगर उसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर उसको फेंको बाहर। तो हर चीज़ की एक आपको समझना होगा कि वही चीज़ संवार भी सकती है, उभार भी सकती है, गिरा भी सकती है। जैसे मोहब्बत के बारे में कहते हैं, प्यार के बारे में कहते हैं कि भाई बहुत अजीब चीज़ है, निखारती भी बहुत है और डुबाती भी बहुत अच्छा है। तो आपका यूज करना है उसको, उसको समझना है, उस शक्तियां हैं ये सब, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, नफरत हो, कंपटीशन हो, उसका आपको यूज अच्छाई के लिए करना है। जैसे कि अब दुर्योधन को जब, ये कहानी है कितनी सही है कितनी गलत है, कि जब उसने धक्का दे दिया था, मतलब गिर गए थे दुर्योधन उस रंग महल में, उस मायावी महल में, जब उनको ये अंदेशा नहीं हुआ था पानी है या क्या सॉलिड है, तो उन्होंने, दुर्योधन ने रास्ता चुना कि उनको बर्बाद कर देंगे इस तरह का, अंधे के अंधे होते हैं। पर वो वहीं दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे, वो शायद उससे भी अच्छा रंग महल बनाने की कोशिश करते, और भले ही तो वो शायद सही रास्ता था। जैसे कि कोई अगर आप पानी में तैर नहीं पा रहे हो या पानी में गिर नहीं तो आपका मजाक उड़ा दे, तो आप तैरना सीखिए, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना है। जब भी वो आपको नेगेटिव रास्ते पे ले जाए उस चीज को फिर समझ जाना है कि ये गलत रास्ता मैं पकड़ रहा हूं, इसको नहीं, इसको बिल्कुल वहीं से काट देना है, इसकी समझ रखना जरूरी है। तो देखिए ये था मेरी तरफ से गुरु का जो परिवर्तन है। मंगल के नक्षत्र के बारे में भी हमने बातें की, इसको बढ़ाने के लिए हमने बात की कि गुरु की आपने, गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ज्ञान की इज्जत करें, इंटेलिजेंट की अदर इज्जत करें, उसका सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, मंदिर जा सकते हैं। और मंगल के हिसाब से, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, तो बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा को पढ़ना, उनके पढ़ते वक्त उसमें जो हनुमान जी के जो गुण हैं उनको समझने की कोशिश करना, जीवन में उतारना, तो आपको इस परिवर्तन के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें थोड़ा माइनस क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने, कि अब तक गुरु की जो दृष्टि थी वो लग्न में थे गुरु, और आपके पारिवारिक रिलेशन को बना के रख रहे थे, मधुरता बनाए रखे थे। अब थोड़ा सा गुरु द्वितीय भाव में आए तो धन को तो बढ़ा रहे हैं, कैरियर के मामले में भी बड़ा चीज ला रहे हैं, पर जो थोड़ा सा, चूंकि जिसकी 7.5 है और शनि खराब है, तो चैलेंजिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, पत्नी, पति, बच्चे, रिश्तों में थोड़ा सा, पति, पिताजी, तो रिश्तों में मधुरता बना के रखनी है,
रिश्ते बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ी स्टडी हुई, कम से कम 70-80 साल की स्टडी हुई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, और उसका रिजल्ट निकल के ही आया कि ना तो वो खुश है जो जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली जिंदगी में, ना वो खुश है जो बहुत बड़ा फेम मिल गया, और जो ज़्यादा लोग जिए जो ज़्यादा खुश रहे वो वही थे जिसके रिश्तों में प्यार था, भले ही 2-4 लोग हों, पर जब वो जिसको ये एहसास था कि मेरा भी कोई है और दिल से है, भले ही छोटा बहुत खटपट हो पर हाँ आपस में ये पता है कि तू मेरे साथ है मैं तेरे साथ हूँ, तो रिश्तों की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जब ही पता लगती है जब आदमी ज़िंदगी में अकेला रह जाता है। तो रिश्तों को संभाल के रखिए, कोशिश कीजिए, और बाकी देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, दूसरों से भी हुई हैं, होगी नहीं तो फिर वो भगवान हो गए, आप भी भगवान हो गए, तो भगवान कोई है नहीं, इंसान है, तो थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं, तो माफ़ करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, अपने पे ध्यान दीजिए, सुधारिए, और दूसरों की गलतियों को इग्नोर कीजिए। हाँ उस आप समझा सकते हैं, बाकी उनकी इच्छा उनका जीवन है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा, आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, प्लीज़ लाइक प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, नमस्कार।